दोस्तों अभी के टाइम पर हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा फ्री फायर गेम जो है ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप अपने फ्री फायर गेम को अभी के टाइम पर ओपन कर रहे होंगे तो आपके सामने जो है एक मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा होगा और आपका फ्री फायर गेम जो है ओपन नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों हमारा फ्री फायर गेम जो है ओपन नहीं हो रहा है, कारण क्या है और कैसे जो है आप अपने फ्री फायर गेम को ओपन करके गेम प्ले कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर को हमारे फ्री फायर गेम के अंदर न्यू पैच का अपडेट यानी OB36 का अपडेट आने वाला है और इसी OB36 के अपडेट के कारण हमारा फ्री फायर गेम को जो है अभी के टाइम पर मेंटेनेंस पर रखा गया है, यानी हमारे फ्री फायर गेम के अंदर न्यू अपडेट किया जा रहा है जिसके कारण से जो है हमारा फ्री फायर गेम अभी के टाइम पर मेंटेनेंस पर है। जस्ट आपका मेंटेनेंस समाप्त हो जाएगा तो आपका फ्री फायर गेम जो है इजिली ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर अपडेट के बाद चेंजेस कौन कौन से किए जाएंगे और क्या क्या बदलाव किया जाएगा आपको अपने फ्री फायर गेम के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हमारे फ्री फायर गेम के अंदर न्यू अपडेट आ जाएगा तो आपका फ्री फायर गेम का लोगो जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे फ्री फायर गेम के अंदर गोल्ड रॉयल का बंडल भी चेंज होने वाला है। अब आपको अपने फ्री फायर गेम के अंदर न्यू गोल्ड रॉयल का बंडल में फीमेल बंडल देखने को मिलेगा जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी शानदार बंडल है और ये बंडल आप सभी को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक न्यू पेट भी ऐड किया जा रहा है जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद न्यू अपडेट के बाद आपको अपने फ्री फायर गेम के अंदर एक न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और ये जो है आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। एक इवेंट आने वाला है उसी में आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो कुछ गन में चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब जो है आप स्कार गन को चिप के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से आप K98 M4 A1 प्लाज्मा MP5 को चिप के साथ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर अपग्रेड करते हैं, उसी प्रकार से आप OB36 अपडेट के बाद स्कार गन को भी अपग्रेड कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक न्यू गन ऐड किया जा रहा है जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक गजब का अपडेट लाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB36 अपडेट के बाद एक न्यू टोकन ऐड किया जा रहा है और ये टोकन जो है काफी टोकन है क्योंकि ये जो है टोकन काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस टोकन का क्या काम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप BR रैंक या CS रैंक गेम खेलते हैं और कभी कभार किसी काम के वजह से या फोन लैग की वजह से आपका गेम जो है बैक हो जाता है या आप खुद से गेम को जो है कट कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका, अगर आप BR रैंक गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो है स्कोर घटता है। उसी प्रकार से अगर आप CS रैंक गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका स्टार कम होता है। लेकिन अगर आपके पास ये टोकन रहेगा जो हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB36 अपडेट किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये टोकन रहेगा उसके बाद अगर आप गेम के अंदर बैक भी करते हैं तो वहाँ पर जो है आपका स्कोर और स्टार कम नहीं होगा, मेंटेन ही रहेगा। अगर आपके पास ये टोकन रहता है तो काफी ऑसम टोकन है और मुझे ये अपडेट जो है काफी ऑसम लगा। उसके बाद हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक मैप है नेक्स्टेरा नाम का, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो नेक्स्टेरा मैप में जो है अब आप क्लास स्क्वायर रैंक गेम भी खेल सकते हैं, यानी क्लास स्क्वायर रैंक गेम के लिए भी नेक्स्टेरा मैप को रेडी किया जा रहा है और OB36 अपडेट के बाद आप इजिली जो है क्लास स्क्वायर रैंक गेम नेक्स्टेरा मैप में खेल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जितने भी बंडल देखने को मिल रहा है मेल या फीमेल, ये बंडल जो है आप सभी को अपने फ्री फायर के OB36 अपडेट में देखने को मिलेगा। एक अपडेट जो है लगभग 2 मंथ चलता है और 2 मंथ के अंदर जो है ये जितने भी बंडल आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, ये बंडल जो है आप सभी को किसी ना किसी इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे फ्री फायर गेम के अंदर प्लेन का भी स्किन आने वाला है जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो एरोप्लेन होता है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, OB36 में ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB36 अपडेट में कुछ इस प्रकार का इमोट देखने को मिलेगा। ये जितने भी आप सभी को इमोट देखने को मिल रहे हैं ये OB36 के अपडेट में देखने को आप सभी को मिल जाएगा। और एक अपडेट जैसा कि मैंने आपको बताया 2 मंथ तक चलता है, यानी 2 मंथ के अंदर ही आप सभी को ये इमोट किसी ना किसी इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जितने भी ग्लोबल देखने को मिल रहे हैं, ये ग्लोबल जो है आप सभी को OB36 अपडेट के बाद OB36 के अपडेट में देखने को मिल जाएगा, यानी 2 मंथ के अंदर जो है आप सभी को ये ग्लोबल किसी ना किसी इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग बैकपैक देख रहे हैं, कुछ बैकपैक, ये भी बैकपैक आप सभी को जो है OB36 अपडेट में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं व्हीकल के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को जो है बहुत सारा व्हीकल यानी मोटो बाइक जीप स्किन देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो जितने भी आपको वैन देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियाँ देखने को मिली, सभी जो है आप सभी को OB36 अपडेट में ही देखने को मिलेगा, यानी 2 मंथ के बीच आप सभी को बंडल, ग्लोबल, बैकपैक देखने को
मिलेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। अभी जो है हमारे फ्री फायर गेम मेंटेनेंस पर है, तो मेंटेनेंस जो है समाप्त हो जाएगा लगभग 5 बजे, यानी 5:30 तक समाप्त हो जाएगा। और 6 बजे से जो है 6 PM आप लोग इजीली जो है गेम प्ले कर पाएंगे, गेम को ओपन कर पाएंगे। ओके तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।